तो फ्रेंड्स, कल वाली वीडियो में मैंने समझा दिया था आपको कि भैया मार्केट बिल्कुल बुलिश है। कारण बताया था, पिन एंड फ्लैग, राष्ट्र धार्मिक झंडा, जो धार्मिक झंडा बना के भी दिखाया था कि इस तरह का होता है, उसका मतलब क्या होता है कि मार्केट पूरी तरह से बुलिश है। और धार्मिक झंडे का जो झंडे का बेस था, वो भी मैंने समझाया था कि जो बेस होता है ना, हमेशा उसी को बाय किया जाता है। तो उसी वजह से आज भी आपने देखा जो उसका बेस बना हुआ था वो क्या था, नीचे का यही लेवल। तो एक बार बार सुबह भी टेलीग्राम पे क्या बताया जा रहा है आपको, ये आपको बताया जा रहा है कि 23,250 से 350 का एरिया बिल्कुल स्पोर्ट है और यहाँ बायो डिप है। उसी एरिया में आई और शानदार रैली देखने को मिली। लगभग यहाँ से आपको 170 पॉइंट की रैली देखने को मिली और आप, मुझे लगता है कि आपने अच्छा खासा प्रॉफिट आप सब ने बनाया होगा। क्यों बनाया होगा? क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं। तो जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े, तो फटाफट चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। कल परसों कुछ ने मैसेज डाले हुए थे कि आप मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी पे भी वीडियो बनाया करो। अरे भैया, हमारी रोज सुबह से ही सुबह हमारी रोज साथ की साथ आती है फिन निफ्टी और मिड कैप। जैसे ये वीडियो आ रही है ना निफ्टी की, वैसे वो भी अलग से आती है, वो भी उसी टाइम आती है जैसे हमारी ये आएगी। अगर बेल आइकन का बटन दबा होगा ना आपका, तो जैसे ही हम अपलोड करेंगे वो अपने आप आपको नोटिफिकेशन आती है। तभी हम बार बार कहते हैं बेल आइकन का बटन दबाओ। और इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अपना टेलीग्राम चैनल को, हमारे फ्री का टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कीजिए। क्योंकि वहाँ पर जो रात को चीज़ें आ जाती हैं, जो नई न्यूज़ आ जाती हैं, तो वो सुबह हम उस पे भी बता देते हैं कमेंट्री। सुबह सुबह शार्पली 7 बजे आ जाती है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट के लिंक दिया, वहां से अपना डीमेट अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। तो इस तरह से इसमें आपने अच्छी खासी रैली एंजॉय करी। और बैंक निफ्टी ने भी यही बताया था, 49,500 से 49,700, एग्जैक्टली 700 से सपोर्ट ली। जहां मैंने 688 लगाया था येलो लाइन, वहीं से एग्जैक्टली शानदार रैली एंजॉय करो। और ऊपर ये रेजिस्टेंस बताया था 50,150 से 2,228, तो उसी रेंज में जाके ये जो रेजिस्टेंस बताया था वहीं जाकर ये रुकी। तो इस तरह से आपने देखा बिल्कुल वही एग्जैक्ट लेवल आपको एंजॉय करने को मिले। और मिड कैप निफ्टी ने भी अच्छी खासी रैली दी, शॉर्ट कवरिंग बहुत बढ़िया आई यहाँ से 12,000 के ऊपर, और 12,070 हिट हुआ। और यहाँ मैंने बताया भी था कि 12,000 के ऊपर जैसे ही आएगा शॉर्ट कवरिंग बनेगी, और वो बनी। तो इस तरह से आपने अच्छा खासा प्रॉफिट इंजॉय किया। तो आइए अब हम पूरे अगले हफ्ते का हिसाब लगा। देखिए, अगला हफ्ता बिल्कुल सही है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगले हफ्ते उल्टा एक खुशी की बात है, वेंसडे के आसपास यूएस में हॉलीडे है, तो वो भी आपको एंजॉय करने को मिलेगी। क्योंकि अगर यूएस में हॉलीडे हो तो हमारी मार्केट ज़्यादा भागती है, क्योंकि उसे डर नहीं होता कि रातों रात कहीं 300-400 पॉइंट डाउ गिर ना जाए। क्योंकि हम वैसे तो नहीं असर पड़ता हमारे पे, हमारे पे तभी असर पड़ेगा अगर डाउ फ्यूचर 400-500 पॉइंट गिर जाए, तब जाकर असर पड़ता है, वैसे नहीं पड़ता। तो दूसरे नंबर पर आता है इस हफ्ते जो आएगा, वो आएगा इंडिया का पीएमआई डाटा। ये कब आएगा? ये आएगा फ्राइडे को, ठीक है ना? वो भी चलती मार्केट में ही आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी वैसे अच्छा ही आएगा, जब जीडीपी अच्छी आ रही है तो नेचुरली मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी अच्छी आएगी, तो कुल मिला के सब कुछ ठीक है। अब आते हैं हम डाटा पे। डाटा देखिए, बॉन्ड यील्ड काफ़ी गिर गई है 4.2, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छा साइन है मार्केट के लिए। पर डॉलर इंडेक्स जिस तरह से जंप मारा है, ये अच्छा नहीं है। ये डॉलर इंडेक्स ही है जिसने इस टाइम डाओ फ्यूचर डाउन है। डाओ फ्यूचर एक और वजह से भी डाउन है, वो कौन सी वजह है? वो है चार्ट। चार्ट इसका इस टाइम खराब है, या ये भी रेजिस्टेंस से नीचे आकर, जैसे मेरा हम बताते हैं ना बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस, वैसे इनका रेजिस्टेंस अब नीचे स्पोर्ट है 37,900 से 800, तो यहाँ पे स्पोर्ट लेगा। तो ये धीरे धीरे ऐसे ही नीचे खिसक रहा है और स्पोर्ट को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं हम नैसडेक पे। नैसडेक बहुत बढ़िया फ्लैग बना रहा है, जैसे कल मैंने निफ्टी का बताया था पिन एंड फ्लैग, जो धार्मिक झंडा बना था, ये है फ्लैट फ्लैग, जो राष्ट्रीय झंडे होते हैं बिल्कुल वैसा। ये देखो झंडा बन गया, फ्लैग बन गया, तो ये भी फ्लैग पे ब्रेकआउट। तो ऊपर मैंने बताया हुआ है धीरे धीरे 20,884 की ओर जाता हुआ आपको नजर आएगा।
और इस टाइम गिफ्ट निफ्टी वो पूरी जबरदस्त रैली के लिए तैयारी चल रही है। मैंने आपको कहा था धीरे धीरे गिफ्ट निफ्टी 23,587 की ओर जाती नजर आ रही है, तो इस टाइम गिफ्ट निफ्टी भी 23 पॉइंट अप है। वैसे भी आप मुझसे पूछोगे मार्केट किधर जाएगी, ट्यूसडे को मुझे फिर से एक गैप अप ही नजर आ रहा है, एक बड़ा गैप अप आपको फिर से मिल सकता है ट्यूसडे को, और मार्केट लगातार ऊपर की ओर जा रही है। वो क्यों जा रही है उसके आगे मैं आपको बताता हूँ। जहाँ तक FI का DI का डाटा है वो हमें क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि FIs अच्छा खासा कैश में बाय करके गए हैं, DIs भी बाय करके गए हैं, उसके अलावा इंडेक्स को भी बाय करके गए हैं। तो मतलब कुल मिला के दोनों FIs और DIs बुलिश हैं मार्केट के अंदर। बाकी हम जब कॉल पुट को स्टडी करेंगे तब पता चलेगा कहानी क्या कहती है। देखिए कॉल पुट का डाटा ये बताता है कि पुट शॉट काफ़ी हैवी करके गए हैं, 3 लाख के आसपास, और कॉल शॉट उससे आधी करके गए हैं, और कॉल लॉन्ग काफ़ी अच्छी, पुट लॉन्ग भी काफ़ी बढ़िया की है और कॉल लॉन्ग भी बढ़िया की है। मतलब मार्केट बाय ऑन डिप है, मार्केट बुलिश है, और पैटर्न सारा FIDA का बुलिश है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है, और रेजिस्टेंस वीक, मतलब जो ऊपर का 23,500 वो टूटता हुआ नजर आएगा, और नीचे की ओर 23,250 से 23,350 काफ़ी अच्छी सपोर्ट लग रही है। मतलब उस दिन भी अगर ट्यूसडे को फिर से अगर डिप लगता है 23,250 से 23,350, 23,250 से 350 उसको फिर से बाई किया जाएगा, ऊपर की ओर 23,500 के टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन हमें क्या बताती है कि 50,000 पे लड़ाई भारी है, ये मैंने उस कल भी बताया था और आपने देखा भी, जबरदस्त लड़ाई चल रही है। नीचे की ओर 49,500-700 को जबरदस्त बाय किया जा रहा है, और बार बार रैली कहाँ तक रुक रही है, 50,128 तक। तो जैसे ही ये 350, मुझे लगता है कि ये क्रॉस हो जाएगा, कोई 4 बार ऐसा हो गया, आज 4 बार हो गया, अब 5वीं बार देखते हैं क्या बनता है। और बार बार वो दीवार है वो टूट नहीं रही है, जोर से आते हैं दौड़ दौड़ के दूर से, और फिर जाकर टक्कर मारते हैं सिर, और फिर वो मुझे लगता है ये HDFC बैंक ही तोड़ेगा। क्यों तोड़ेगा मैं आपको समझाता हूँ। 1599 ये लगभग इसने अपना एक तरह का ऑल टाइम हाई हिट कर दिया, जैसे ही ये क्रॉस कर दिया तो बैंक निफ्टी ही उसकी दीवार को तोड़ेगा जोर से और फिर भागे। और मैंने कल भी बताया था कि बैंक निफ्टी की, ये देखिए मैं फिर बताता हूँ, ये देखिए कल जो कैंडल बनी थी ना, उस कैंडल को देख के मैंने बताया भी था, जिन्होंने देखी है वीडियो उसमें मैंने बता दिया था कि HDFC बैंक की था, बैंक की होगा जो बैंक निफ्टी को खींचेगा, और उसी ने खींचा जबरदस्त, क्योंकि कैंडल से ही पता चल गया था। अब भी जिस तरह से रेजिस्टेंस पे है, अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया और बाई चांस गैप अप खुल गया HDFC बैंक, तो एक जबरदस्त रैली आपको इंजॉय करने को मिल सकती है। उसी तरह एक्सिस बैंक भी, एक्सिस बैंक देखिए एम्मा वेम्मा दोनों से सपोर्ट ले रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है, ये भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को खींचेगा। और जहाँ तक अगर हम आ जाएं ICICI बैंक, ICICI बैंक भी बहुत बढ़िया सपोर्ट ले गया नीचे से, तो ये भी बैंक निफ्टी को ऊपर की ओर खींच, मतलब बैंक निफ्टी को ऊपर की ओर खींचने के लिए तीनों स्टॉक मुझे तैयार दिख रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं अगर ये HDFC बैंक अपना रेजिस्टेंस क्रॉस कर गया तो वो इंडेक्स को ऊपर खींचने में फिर से मदद कर सकता है ट्यूसडे को। तो आइए अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। मेन चीज़ क्या है, प्राइस एक्शन। हमेशा मैं समझाता हूँ प्राइस एक्शन पे ध्यान दिया करो, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी चक्करों में मत पड़ा करो। आज भी देखा ना सुबह मार्केट नीचे गई, पर उसका फायदा किसमें होता है, बाय करने में, तो उसको फायदा लिया गया। और रैली वैसे आप देखोगे यहाँ पे आपको रैली नहीं नजर आएगी बैंक निफ्टी, क्या आप कहोगे नहीं जी फ्लैट है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसे कहते हैं रैली। जब चीज 200-300 पॉइंट भाग जाए, देखो 49,700 से 50,100 कितने पॉइंट भागी, 400 पॉइंट भागी। अगर आपको समझ है ना, नॉलेज है, तो आपके लिए तो 400 पॉइंट की रैली आ गई, पर जिनको नॉलेज नहीं है, जो सिर्फ इसे दे दे के ट्रेड कर रहे हैं इन चीजों को, तो उनके लिए तो मार्केट वही फंसी की फंसी दिख रही है। तो 49,500 से 700 अच्छी खासी सपोर्ट है, इस एरिया को फिर से बाय किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ से फिर से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है।
क्या है, 49,928, 50,087 जो कि आज भी हाई लगाया है, और 50,228। ये एक जबरदस्त दीवार है, 1 2 3 4 चार बार इस पे टक्कर मार दी है, पर फिर भी ये दीवार टूट नहीं रही है। अब ये दीवार कैसे टूटेगी? ये दीवार तभी टूटेगी भैया अगर ये लेवल 50,375 किसी तरह क्रॉस हो जाए, तब जाकर दीवार टूटेगी और फिर ऊपर के लेवल खुलेंगे। कौन कौन से? 50,580, 635, 669 और 51,048 और 51,133। ये क्या है 133? ये है ऑल टाइम हाई। तो यहाँ जबरदस्त रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना जब भी ऑल टाइम हाई आता है ना वहां से तेज प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो ये सारा एरिया 50,040 से लेकर 50,150, ये जो एरिया ना 100-150 पॉइंट का, यहाँ खतरनाक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक फास्ट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब आते हैं निफ्टी पे कि निफ्टी की क्या पोजीशन बन रही है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में भी नीचे के लेवल पे बड़ी अच्छी पुट राइटिंग चल रही है और 23,300-23,350 को बार बार बाय किया जा रहा है। अब तो एक और नई बड़ी चीज़ बढ़िया होगी कि 23,400 पे भी जबरदस्त स्पोर्ट बन गई है, बहुत अच्छा पुट राइटर आ गया। अब 23,400 भी स्पोर्ट का काम करेगा, ठीक है, और 23,500 वाला कॉल राइटर मुझे थोड़ा भागता हुआ नज़र आ रहा है और मुझे दिख रहा है कि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपको अब दिख सकती। आपने देखा ना कैसे इसकी कितनी बड़ी कैंडल थी 23,500 की, 23,500 की, अब छोटी सी रह गई है। मतलब यहाँ से कॉल राइटर ये सारा भाग गया है, अब इतना ही बचा है, ठीक है। तैयारी पूरी है इसको ट्रैप करने की और मुझे लगता है ट्यूसडे को गैप अप ओपनिंग हो गई तो बुरी तरह से ट्रैप हो जाएगा। अब आते हैं इसके कंपोनेंट्स पे। तो रिलायंस ने बढ़िया कैंडल बनाई, ये देखिए ये भी पीनट फ्लैग तैयार कर रहा है और इसको चाहे आप फ्लैग भी कह सकते हो, ठीक है, तो ये भी पूरी तरह से बुलिश है, ठीक है, और फ्लैग पे ब्रेकआउट आ सकता है। और अगर फ्लैग पे ब्रेकआउट आया तो ये इंडेक्स को, निफ्टी को खींच के लेकर जाएगा ऊपर की ओर। और जहाँ तक इन्फी का सवाल है, ये रेडिश में है, इसका चार्ट थोड़ा सा खराब है अभी नेट की वजह से। ये हाँ, ये देखिए ये बार बार 1,505 पे रेजिस्टेंस फील कर रहा है और बार बार नीचे की ओर जा रहा है। तो जो भी हम देखिए, एक बात मैं क्लियर कर दूँ, जो भी हम स्टॉक्स को स्टडी कर रहे हैं सिर्फ इंडेक्स व्यू से कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंडेक्स पर प्रेशर डाल रहा है। और अगर हम एलटी पे आएं तो एलटी में भी आप देखोगे कि एलटी भी रेजिस्टेंस के पास है और यहाँ पर भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा इंटरनेट जाम है इस टाइम, तो एलटी भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पे है और इसने अपने रेजिस्टेंस को हिट कर दिया। और जहाँ तक M&M का सवाल है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो ये इंडेक्स को ऊपर खींच कर लेकर जा सकता है। तो खैर अब हम आते हैं प्राइस एक्शन पर। मेन क्या होता है हमेशा? प्राइस एक्शन। अब देखिए जैसा कि अभी बताया कि 23,400 पर भी अब सपोर्ट है, इस डिप को भी बाय किया जाएगा। मतलब अब बेस क्या बन गया? 23,250 to 400, ये सारा ही बेस बन गया लो, ठीक है। सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और बार बार डिप को बाय किया जा रहा है और 23,500 के आसपास कॉल राइटर जमा हुआ है, तो यहाँ बार बार एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब इधर उधर बैंक निफ्टी की दीवार खड़ी है, इधर इसकी दीवार खड़ी है 23,500 की। अगर 23,530 के ऊपर आपको लगे कि हाँ रुक रहा है, ध्यान रखना 23,500 का कॉल राइटर आपको ट्रैप कर सकता है, 530-550 से भी मार्केट को गिरा सकता है। तो बी केयरफुल, थोड़ा चुस्ती से रहना है आपने और बड़ा केयरफुली चलना है उसमें। और 23,500 का आप स्टॉप लॉस रख के भी चल सकते हो। 23,500 के ऊपर अगर 10-15-30-35 मिनट सस्टेन हो जाए मार्केट, तो समझ लेना कि शॉर्ट कवरिंग आ जाए। क्योंकि जहां बड़ा कॉल राइटर होता है ना, उसको थोड़ा टेस्ट करना पड़ता है, आपको थोड़ा देखना चाहिए कि वाकई ये कर गया क्रॉस या नहीं कर गया, ठीक है। किसी भी टाइम वो ट्रैप कर सकता है। अगर ये बहुत बढ़िया ट्रैप हो गया 23,500 का कॉल राइटर, तो ऊपर शॉर्ट कवरिंग बनेगी। और कहाँ तक बनेगी? जो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे 560, 580, 665, 700,
और 700 से 750 ये सारा एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ से फास्ट प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो ये था पूरा कंप्लीट प्राइस एक्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा कंप्लीट एनालिसिस पूरे एक हफ्ते का भी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, बिना लाइक किए किसी ने भी नहीं जाना, और रिकॉर्ड तोड़ दो अच्छी तरह से लाइक कर करके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को इंजॉय कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।